Good morning and Namaste, all day students present in this online class. This is Harish Gangwar. I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English classes. And uh, please subscribe my channel and press the bell icon and never miss an update from this channel. Today I am here with the question answers, the most important question answers from Whole Act of Merchant of Venice by William Shakespeare. Is बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो इनको मैं सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको शो करूंगा दिखाऊंगा एंड इनको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा तो वीडियो के अंत तक बने रहिए लास्ट तक देखते रहिए इसको बिकॉज एक एक क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड है फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट सीन से है फर्स्ट एक्ट से फर्स्ट सीन से वाइड बान अप्रोच एंटोनियो इट मीन्स बेसन्यू एंटोनियो के पास क्यों गया था यू मस्ट हैव नो द रीज़न आई थिंक आपको रीज़न पता होगा बट फिर भी आंसर उसमें दिया हुआ है ही मैं उसको आपको बताता हूँ बेसन्यू अप्रोच्ड एंटोनियो टू बोरो मनी और लोन टू मैरी पोर्शिया द रिच एरेस ऑफ बेलमोन्ट विद होम ही हैड फॉल इन इन लॉ क्यों गया था एंटोनियो के पास गया था बिकॉज उसे ज़रूरत थी पैसों की बैलमुंड जाने के लिए और बैलमुंड जाकर वो पोर्शिया से शादी करता है एंड हु वॉज पोर्शिया पोशिया वॉज अ रिच एरिस यानी वो वारिस थी, थी बैलमुंड की और बहुत रिच उसके पास काफ़ी रुपया पैसा था जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा था और साथ में उसके लिए एक विल भी छोड़ी थी जिसके अकॉर्डिंग थ्री कैस्केट्स थे एंड थ्री कैस्केट्स में जो राइट कैस्केट को सिलेक्ट करेगा वही पोशिया शादी करेगा तो ये शर्त में पार्टिसिपेट करने के लिए और पोर्शिया को जीतने के लिए बेसनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि बेलमोंट चला जाए तो इसीलिए वो एंटोनी के पास आता है क्योंकि उसे पता है एंटोनियो उसे कभी भी पैसे के लिए मना नहीं करेगा एंड दैट्स वाई ही अप्रोच्ड एंटोनियो टू बोरो मनी क्वेश्चन टू हाउ मच मनी डिड शाइलॉक गिव टू बैसाडियो शाइलॉक ने बेसिनियो को कितना पैसा दिया था आंसर इज शाइलॉग गेव थ्री थाउजेंड डिकेट्स टू बेसन यू फॉर थ्री मंथ विद नो इंटरेस्ट विदाउट एनी इंटरेस्ट उसने दिया क्योंकि एंटोनियो ने एक बात कही थी शाइलॉग से कि ना तो मैं इंटरेस्ट पैसे लेता हूँ और ना इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ बट मैं सब कुछ बेसन्यू के लिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ बेसन्यू आई हैव कम टू हेयर एंड आई एम ब्रेकिंग दिस कस्टम कस्टम मतलब जो उसकी आदत थी बिना इंटरेस्ट पे पैसा लेने और देने का कहता कि मैं इस आदत को तोड़ रहा हूँ बट शाह क्या कहता है ठीक है आज तुम शाहलॉक का भी दिल देखो कितना बड़ा है शाहलॉक का दिल और वो कहता कि मैं भी बिना इंटरेस्ट पैसे दूंगा बट शर्त वही उसने रखी कि वन पाउंड ऑफ प्लैश अगर उसने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो उसने कितने महीनों के लिए थ्री मंथ्स के लिए थ्री थाउजेंड टिकेट्स दे दिए थे विदाउट एनी इंटरेस्ट क्वेश्चन थ्री इज़ हु वॉर शाइलॉक एंड हाउ डिड ही बिकम रिच शाइलॉक कौन था और वो रिच कैसे हुआ तो आपको पता ही होगा फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ वीडियो में आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड uh, अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड मर्चेंट ऑफ वेनिस से रिलेटेड या लैंग्वेज पोर्शन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे राइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे आप सर्च करिए एच ए आर डबल ई एस एच गंगवार हरीश गंगवार सर्च करिए और फॉलो करिए वहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप पुट अप कर सकते हैं सो आंसर इज ही वॉज़ अ मनी लैंडर एंड बी रिच बाय लैंडिंग मनी टू द मर्चेंट्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी वो एक मनी लैंडर था मनी मन, लोगों को पैसा देने वाला एक जमींदार था जिसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उसका एक बिजनेस था वो लोगों को पैसा उधार देता था हाई इंटरेस्ट पे और इस वजह से वो रिच होता चला गया और यही उसका एक सोर्स था रिच होने का क्वेश्चन फोर व्हाट वाज द कंडीशन केप्ट बाय इन केस बेसन्यू कोडेंट रीपे द लोन कौन सी कंडीशन थी शाइलॉक ने जो रखी थी कि अगर वैसेनियों ने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो वो क्या करेगा आंसर इज द कंडीशन वॉज दैट इफ़ द लोन रिमेंड अनपेड ऑन द ड्यू डेट इफ ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ थ्री थाउजेंड कैट्स विद इन द थ्री मंथ्स ही वुड टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी तो क्या करेगा वो एंटोनियो की बॉडी से एक पाउंड मास निकाल लेगा ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड ग्राम्स वन पाउंडल टू ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड ग्राम्स वेट तो उतना वेट का जो मास निकाल लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन अगला क्वेश्चन आपके सामने है वाई डिड शाइलॉक हेट एंटोनियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शाइलॉक और एंटोनियो में नफ़रत की वजह क्या थी शाइलॉक क्यों नफ़रत करता था एंटोनियो से तो ये भी एक्ट वन सीन थ्री में दिया हुआ है एंटोनियो ने शाइलॉग ने बहुत सारे रीजंस दिए थे कि मैं उसको क्यों हेट करता हूँ तो आंसर है यहाँ पर शाइलॉग होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट एंटोनियो ग्रज मीन्स एक खुन्नस रखना कोई इंसान खुन्नस न सकता है किसी के ख़िलाफ़ यानी गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ होता है क्यों था फॉर हिज लैंडिंग प्रैक्टिस यानी लोगों को पैसा बांटने की जो उसका तरीका था बिना ब्याज के लोगों को पैसा देना हेल्प करना इस वजह से सबसे बड़ी खुनस थी उसे यूज टू लैंड मनी टू द नीडी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट यानी वो लोगों को पैसा देता था विदाउट एनी इंटरेस्ट तो शाइलॉग देता था इंटरेस्ट पे पैसा तो जितने भी लोग थे वो एंटोनी के पास आते थे शाइलॉग के पास बहुत कम लोग जाते थे इस वजह से शायलॉग बहुत छिड़ा हुआ था कि इसने लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसा देना शुरू कर दिया है तो मेरी तरफ कोई आता नहीं है अगर कोई आता भी है तो बहुत कम इंटरेस्ट देना चाहता है तो सबसे बड़ी खुर्नस उसे इस बात की थी एंड अदर रीजन्स आर ऑल्सो देर अदर रीजन इज़ दैट एंटोनी इज़ ए क्रिश्चन एंड अनदर रीजन इज दैट एंटोनियो ऑल्सो हेटेड शाइलॉग फॉर बींग अ जीव क्योंकि शाइलॉग जीव था तो इसलिए एंटोनी से नफरत करता था उसको खूंखार कुत्ता कह के बुलाता था उसके ऊपर थूकता था उसके नेशन उसके रिलीजन को कोसता था तो बहुत सारे रीजन्स थे तो कोई भी आप उसमें रीजन पुट अप कर सकते हैं आंसर में तो यहां पर रीजन दिया हुआ है कि बिजनेस राइवल ठीक है वो बिजनेस राइवल था बिजनेस में अपोनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कुड एंटोनियो नॉट हेल्प बेसेनियो फाइनेंशियली एंटोनियो बेसेनियो को फाइनेंशियल हेल्प क्यों नहीं कर पाया इट मींस एंटोनियो ने खुद अपने आप से पैसा अपने पास से पैसा बेसेनियो को क्यों नहीं दिया हाउ डिड द रिजॉल्व द ईश्यू और इस ईश्यू को उन्होंने सॉल्व कैसे किया था एंटोनियो कुड नाट हेल्प बेसनियो फाइनेंशली एज ऑल हिज मनी वॉज़ टाइड अप इन हिज मर्चेंट शिप्स विच वेट सी एंटोनियो बेसनियो की हेल्प नहीं कर पाया उसको पैसा नहीं दे पाया बिकॉज उसका सारा पैसा मर्चेंट शिप्स में लगा हुआ था और जो कि समुंद्र में थे वहाँ मौजूद नहीं थे Antonio did not want to disappoint Bassanio, so he asked him to go to another money lender, Shylock. मगर एंटोनियो उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था बैसोनियो को क्योंकि एंटोनियो ने कभी भी बेसनियो की हेल्प करने से मना नहीं किया और एंटोनियो ने यह भी कहा था कि आप तो बस हुक्म करो आप तो बस बोलो कि कितना चाहिए मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों चाहिए और क्यों नहीं कहता है भले ही आपने पैसा लेकर सब कुछ खर्च कर दिया उड़ा दिया लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ तो एंटोनी ने क्या कहा गो टू एनी वेयर यानी जहाँ भी पूरे वेनिस में तुमको कोई पैसा उधार दे दो उसने शैलॉक का डायरेक्टली नाम नहीं लिया था उसने ये कहा था कि वेनिस में तुम्हें कोई भी पैसा दे दे तो मैं गारंटी ले लूँगा मेरी गारंटी पर मेरे नाम से पैसा ले लो और मैं तैयार रहूँगा अपना सब कुछ बाउंड करने के लिए एंटोनी सजेस्टेड दैट बसेनियो यूज़ हिज़ गुड नेम एज सिक्योरिटी फॉर द लोन तो एंटोनियो ने यह भी सजेस्ट किया कि मेरे नाम पे लोन ले लेना और मैं अपना नाम सिक्योरिटी में डाल दूंगा यानी मेरी गारंटी पे लोन ले लेना तो ऐसे उन्होंने रिजॉल्व किया ये सॉल्यूशन इस चीज़ का ऐसे निकाला नेक्स्ट इज वाई डिड एंटोनियो एग्री टू टेक अ लोन बिसाइड्स बेसन्य वार्निंग्स देखिए जब शैलोक ने बॉन्ड प्रपोज़ किया था कि अगर थ्री मंथ्स के अंदर तुमने पैसा वापस नहीं किया तो मैं वन पाउंड फ्लैश काट लूँगा तो बेसेनियो ने मना किया एंटोनियो से बट एंटोनियो कहता है नहीं नहीं मैं अब आ, मतलब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है तो उसने बेसेनियो की वार्निंग के बावजूद भी लोन क्यों ले लिया इसका रीज़न देखिए बिसाइड्स बेसनीस वार्निंग्स एंटोनियो एग्री टू टेक अ लोन बिकॉज ऑल हिज शिप्स व डू बैक इन वेनिस अ फुल मंथ बिफोर द फाइनल डेट ऑफ रीपेंग द लोन तो यहाँ पर बेसैनियो की वार्निंग के बावजूद भी एंटोनियो एग्री हो गया लोन लेने के लिए बिकॉज उससे बहुत विश्वास था वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसके शिप डेट एंड यानी जो डेड लाइन थी लोन जमा करने की पैसा वापस देने की उससे एक महीने पहले उसके शिप लौटने की उसे भरपूर नॉलेज थी और इसलिए उसने सोचा कि मैं एक महीना पहले ही लोन वापस दे पाऊंगा और उसने लोन ले लिया फ़िलहाल बैसनी ने मना किया था कि ऐसे बाउंड पर साइन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है चाहे मेरा काम हो या ना हो मेरी ज़रूरतें पूरी हो या ना हो बट शैलॉक का ये बाउंड तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे बट एंटोनी वॉज ओवर कॉन्फिडेंट और उसने साइन कर दिया वो उस टाइम पर बस ये चाहता था कि बैसनी को पैसे मिल जाए चाहे अंजाम बाद में कुछ भी हो क्वेश्चन एट वाट वॉज पोर्शिया सिचुएशन एंड वाई डिड शी फाइंड इट अपसेटिंग पोर्शिया की सिचुएशन कहाँ थी पहुँच जाओ एक्ट फर्स्ट एंड सीन टू में ठीक है जहाँ पोशिया और नरिसा दोनों बातें कर रही थी तो क्या सिचुएशन थी अपसेटिंग क्यों था तो आंसर क्या है पोर्शिया वॉज डिस्ट्रैक्ट ओवर द टर्म्स ऑफ अ फादर्स विल सबसे ज्यादा वो डिस्टर्ब परेशान थी डिस्ट्रेस थी अपने फादर की विल की वजह से यानी उसके फादर ने जो विल बनाई हुई थी कि जो राइट कैस्केट को चूज करेगा वही उसका लाइफ पार्टनर होगा एंड कंडीशन क्या थी एज पर द टर्म्स ही कुड नॉट ओनली मैरी अ मैन हु करेक्टली चूज वन ऑफ द थ्री कैस्केट्स दैट कंटेंट पोर्ट्रेट क्या कंडीशन थी कि कोई भी आदमी जो उसके पोर्ट्रेट वाले राइट कैस्केट को चूज़ कर लेता है वो उससे शादी करेगी बट अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ पोर्शिया करेंट स्वीटर्स वर टू हर लाइकिंगफॉर्चुनेटली जितने भी छः लोग वहाँ पर प्रजेंट थे जो पहले ही उसका लक ट्राई करने के लिए अपना लक ट्राई करने के लिए मौजूद थे वो सभी के सभी उसकी पसंद के मुताबिक नहीं थे सब में कुछ ना कुछ एक बैड हैबिट थी जैसे न्यूपोलिटन प्रिंस पहला न्यूपोलिटन प्रिंस था जिसकी हाइब्रिड थी सिर्फ अपने घोड़े की बातें करना तो क्या कहती ही इज़ इंडीड अ कॉल्ट कहती वो तो बिल्कुल घोड़े का बच्चा है हमेशा घोड़े की बातें करता है सबसे बड़ी तारीफ मारता था कि मैं अपने जूते को अपने घोड़े को खुद नान लगा सकता हूँ आई कैन शू माई हॉर्स फिर काउंटी पैलेटाइन जो एक फिलोसोफर टाइप का था हमेशा सैड मूड में रहता था फ्रेंच लॉर्ड वो भी घोड़े की बातें करता था न्योपोलिटन की तरह फिर और भी लोग थे जैसे यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का जो बैरन था उसकी बैड हैबिट थी बहुत सारी उसका कैरेक्टर ही कहीं से मैच नहीं करता था एक डिफरेंट काइंड का कैरेक्टर था एंड ड्यूक ऑफ सक्सोनज्यू जो बहुत बड़ा पीने वाला इंसान था हमेशा पीता रहता था और एक स्कॉटलैंड का था स्कॉटलैंड जो उसने एक डरपोक आदमी कहा स्कॉटलैंड वालों को तो इतने सारे लोग थे बट सब में कोई ना कोई बैड हैबिट थी इसलिए पोर्शिया बहुत ज़्यादा परेशान थी दिस अपसेट हर और इसी वजह से वो अपसेट थी क्वेश्चन नाइन इज हाउ डिड बैसनियो एंड पोर्शिया एग्नोलेज दियर लव बेसनियो और पोर्शिया ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को या दूसरों की फीलिंग को कैसे समझा इट मीन्स बेसनीो ने कैसे समझा कि पोर्शिया उसको लाइक करती है एंड पोरशिया ने कैसे समझा कि बेसेनियो भी उसको लाइक करता है तो आंसर क्या है वन बेसेनियो एंड ग्रेशियानो अराइवड एट पोर्शियाज एस्टेट बेसेनियो पिक द करेक्ट कैस्केट यानी बेसेनियो ग्रेशियानो जब वहाँ पहुँचे तो बैसनियो ने सही करेक्ट आ, सही कैस्केट चूज़ किया पोर्शिया एंड बेसनियो वर pleased विद द आउटकम एंड acknowledged देर लव फॉर each अदर तो पोर्शिया बेसनी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने अपने लिए यानी एक दूसरे के लिए लव को एग्नोलेज किया और एक दूसरे को स्वीकार किया क्वेश्चन टेन वाई डिड बेसनियो वॉन्ट टू मैरी पोशिया बेसनियो पोर्शिया से शादी क्यों करना चाहता था आंसर इज़ बेसनीड फॉल इन लव हु हुज़ द रिच एरस ऑफ बैलबोट पहली बात तो ये थी कि बैसनी बैसनी पोरशिया को लाइक करता था क्योंकि वो डिज़र्व करती थी लाइक होने लायक सभी लोग उसकी तारीफ करते थे शीज रिच इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल हर तरफ से काबिल तारीफ थी तो उसे उससे लव हो जाता है एंड अदर थिंगज़ वो अपने कर्ज़े से आज़ाद होना चाहता था और उसने सोचा कि अगर एक बार पुरेश शादी हो जाती है तो सारा कर्ज़ा उतर जाएगा ही हैड ओड अ ग्रेट डील ऑफ़ मनी फ्रॉम एंटोनियो एंटोनियो से सबसे ज़्यादा पैसा लिया था ही वॉन्टेड टू रीपे द लोन बट हैड नॉट बीन एबल टू डू सो वो चाहता था कि जितना मेरा कर्ज़ा है एंटोनियो से ये कहता भी है कि मुझे ये अफसोस नहीं है कि मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड रहता था लिविंग स्टैंडर्ड वो अब नहीं रहेगा बट सिर्फ़ एक बात का अफसोस रहता है कि जितना भी मेरे ऊपर कर्जा है डेप्ट है वो सब पे हो जाए तो चैन की सांस मिलेगी तो उसने यही सोचा ही वॉन्टेड टू मैरी पोशिया फॉर हिज लव एंड ऑल्सो ही थाट दैट विल हेल्प हिम रीपे हिज डेप्ट तो यहाँ पर दोनों रीजन्स हैं पहली बात तो पोर्शिया को लव भी करता था एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा और कितना भी बड़ा कर्जा हो वो उसे पे कर पाएगा एक बार पोर्शिया से शादी हो जाती है तो नेक्स्ट इज व्हाट डिड पोर्शिया गिव टू बैसनियो एंड व्हाट कंडीशन शी की पोर्शिया बैसनियो को क्या देती है और क्या कंडीशन पे देती है कौन सी कंडीशन कौन सी शर्त वो रखती है एंड आंसर इज पोशिया गे बेसनियो अ रिंग एज अ टोकन ऑफ लव विद अ प्रोमिस दैट अंडर नो सर्कम्स्टांसिस वुड ही पार्ट विद इट तो उर्शिया बैसनियों को एज अ लव ऑफ टोकन एक प्रेम की निशानी रिंग देती है और प्रॉमिस लेती है उससे कि चाहे कोई भी हालात हो जाए कोई भी सर्कमस्टांसिस कोई भी सिचुएशन हो जाए बट इस रिंग को अपने आप से कभी अलग नहीं करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व वाई डिड एंटोनियो सेंट अ लेटर टू बैसेनियो एंटोनियो ने बैसनियो को लेटर क्यों भेजा और ये सीन आता है एक्ट फोर सीन वन में नहीं एक्ट फोर सीन वन में नहीं एक्ट थर्ड सीन टू में जब बैसनी पोर्शिया के लिए जीत लेता है कैस्केट का चुनाव कर लेता है जस्ट आफ्टर दैट यानी उसी खुशी के टाइम पर तुरंत सैडनेस की न्यूज़ आ जाती है एंड आंसर इज एंटोनियो सेंट अ लेटर टू बैसेनियो टू बेड हिम फेयरवेल एज हिज शिप्स हैड बीन रिपोर्टेड लॉस्ट एट सी तो एंटोनियो ने बेसनी को लेटर भेजा था कि वो मुझे आकर गुड बाय बोल दे एक बार कि मेरा जाने का समय आ चुका है मरने का टाइम आ चुका है क्योंकि सारे जो शिप्स हैं वो तो खो चुके हैं कहीं उनका पता नहीं है यू फेल दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिव आफ्टर शाइलॉक विल कलेक्ट वन पाउंड ऑफ फ्लैश फ्राम हिज बॉडी क्योंकि उसे भी एहसास था शायद लोग जब वन पाउंड फ्लैश कलेक्ट करेगा जब एक पाउंड मास का टुकड़ा काटेगा तो उसका जीना नामुमकिन है तो चाहता है कि आखिरी टाइम में मरने से पहले एक बार बेसनी से मुलाकात हो जाए एंड दैट्स वाई ही हैड सेंट लेटर टू बैसनियो नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड पोर्शिया कम टू वेनिस डिजगाइज एज अ लॉयर पोर्शिया लॉयर के बेच में यानी लॉयर के डिस्गाइज में वेनिस क्यों आती है यू ऑल नो द रीज़न पोशिया केम टू वेनिस डिजाइज एज अ लॉयर टू हेल्प एंटोनियो यानी वो खुद देखना चाहती थी कि शाइलॉक किस हद तक एंटोनियो को अपने बॉन्ड में फंसा सकता है और कौन सा ऐसा पॉइंट निकल कर आएगा जिससे वो उसको बचा सकती है इसलिए वो पोर्शिया एंड नरसा दोनों लोग एज अ लॉयर एंड एज अ लॉयर्स क्लर्क दोनों डिस्गाइज में जाती हैं वहाँ और केस को फाइट करती हैं और ये सिर्फ पोर्शिया की वजह से हो पाता है कि लास्ट टाइम पर आके वो पूरा केस को पलट देती है क्वेश्चन फोर्टीन वाई डिड शाइलॉग गेट इनफ्यूरियस अब इन फ्यूरियस क्यों हो गया था ये फिर से पीछे पहुंच जाते हैं हम एक्ट टू में पहुंच जाते हैं क्या होता है उस टाइम पे शैल ऑफ गॉड इन्फ्यूरियस वेन ही केम टू नो दैट इज़ डॉटर जैसिका एंड लॉरेंजो हु इज़ अ क्लोज़ फ्रेंड टू एंटोनियो एंड बेसेनियो, लाइक डीच अदर एंड हैड रन अवे टेकिंग विद दम सम ऑफ इज़ मनी उसके इनफ्यूरियस होने का रीज़न था एंग्री होने का रीज़न कि लॉरेंजो एक क्रिश्चन था और वो एंटोनियो और बेसनियो का फ्रेंड था और वो उसकी लड़की को भगा कर ले गया जेसिका को भगा कर ले गया और अपने पास और उसके पास से जैसे थी पैसे भी ले गई थी कैस्केट में आ, मतलब एक बॉक्स में भर के जूल्स एंड उसमें एक टर्कवाइज़ भी था टर्कवाइज रिंग और जितने भी डकैट्स वो ले जा सकती थी ज्वेलरी ले जा सकती थी वो सब लेके गई थी इसलिए शैलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और इस वजह से वो वन पाउंड फ्लैश लेने के लिए और ज़्यादा ज़िद्द पे अड़ा हुआ था क्वेश्चन फिफ्टीन Why did Shylock feel happy? Shylock क्यों happy feel कर रहा था ये आ गया act फोर में Shylock felt happy to know about the lost ships of Antonio for he could now claim his debt। ये तो पुराने एक्ट थर्ड की ही बात कर रहे हैं जब उसे पता चलता है Shylock बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि Antonio के ship का कहीं पता नहीं है और Antonio अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो उसे वन पाउंड ऑफ फ्लैश कट करने का मौका मिल जाएगा इसलिए शालोक बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड सिक्सटीन वाइल शैलॉग इंसिस्ट ऑन हैविंग द पाउंड ऑफ फ्लैश एंड रिफ्यूज टू टेक मनी ऑफर्ड बाय बियो शैलॉक सिर्फ वन पाउंड ऑफ फ्लैश लेने पर इंसिस्ट कर रहा था उसी पर अड़ा हुआ था और उसने बैसैनियो के दिए गए पैसे को लेने से मना कर दिया यहाँ तक कि डबल अमाउंट ट्रिपल अमाउंट तक लेने से मना कर दिया तो क्यों रीज़न क्या था बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू टेक रिवेंज अपॉन एंटोनियो शायलॉक इंसिस्टेड ऑन हैविंग द पॉन्ड ऑफ फ्लैश एज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो होम ही हेटेड वो सिर्फ बदला लेना चाहता था ही रिफ्यूज टू टेक मनी ऑफर्ड बाई बियो बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी एंटोनियो डैड वो चाहता था कि एंटोनियो की बस डेथ हो जाए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही है यही ख़त्म हो जाए एंड नेक्स्ट व्हाट पनिशमेंट डिड द ड्यू टू शाइलॉग ये आ गया जब पोर्शिया केस को पलट देती है अकॉर्डिंग टू द लॉ द had स्टेटेड दैट kill a सिटीजन ऑफ वेनिस which कॉल्ड फॉर पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस एक कंडीशन थी कि अगर कोई भी इंसान किसी वन सिटीजन की जान लेने की कोशिश करेगा चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनर में हो तो उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्गेट हो जाएगी और उसे पनिशमेंट भी मिलेगी जो ड्यूक चाहे द ड्यूक हैड द पावर टू सेंटेंस शाइलॉग टू डेथ यानी उसकी उम्र क़ैद भी हो सकती थी और डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था मौत की सजा भी मिल सकती थी हाउ एवर ही स्पेयर शाइलॉग्स लाइफ एंड आस्कड हिम टू टर्न ओवर हाफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू द स्टेट एंड अनदर हाफ टू एंटोनियो एज पनिशमेंट बट उसने शाइलॉक को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया बट उसने ये कहा कि आधी प्रॉपर्टी स्टेट में चली जाएगी एंड आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो की जाएगी बट एंटोनियो ने वो प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया और उसने ये कहा कि जीते जीते प्रॉपर्टी शाइलॉक की और शाइलॉक एक बिल बनाएगा जिसमें उसके डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी लॉरेंजो और जेसिका की हो जाएगी

यहाँ पर हो जाएगा एज अ लॉयर एंड डिफेंडेड एंटोनियोस केस उसने लॉयर का ड्रेस पहना और वैसा ही लुक बनाया और एंटोनियो को uh, उसने डिफेंड किया उसका केस लड़ा शी टोल्ड शाइलॉक दैट ही मस्ट बी केयरफुल वाइल ही कट्स ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश एज ही मस्ट नॉट ड्रॉप अ सिंगल ड्रॉप ऑफ एंटोनियोज ब्लड एज द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट मैंशन दैट क्या कहा था पुरुषिया ने उसका ही जवाब दिया था शाइलॉक का शाइलॉक ने क्या कहा था कि इसमें कहीं ये मेंशन किया हुआ नहीं है बॉन्ड में कि मुझे डॉक्टर रखना है सर्जन रखना है ब्लीडिंग रोकने के लिए तो पुरुषिया ने भी कह दिया कि इसमें यह भी मैंशन नहीं है कि एक भी ब्लड नहीं बहनी चाहिए तो उसने कहा कि आप मांस काट सकते हो न कम न ज़्यादा एंड एक भी बूंद नहीं बहनी चाहिए और इस वजह से शाइलॉक रुक जाता है क्योंकि उसे पता है जब वो कट करेगा तो ब्लड तो ज़रूर आना है विदाउट ब्लड के कटना पॉसिबल ही नहीं है तो इस तरह से शायलॉग हार जाता है बिल्कुल और वो खाली मुंह लेकर चला जाता है अपना तो ये हैं ऑल एटीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनके अलावा अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सीरीज़ में लेकर आऊँगा आपके लिए बस साथ देते रहिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव वंडरफुल डे